हम जा रहे हैं कल्पेश्वर। इनका नाम कल्पेश्वर महादेव इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे महादेव की जटा गिरी थी। ये पंच केदार में से पांचवा केदार है और यहीं पे आके आपकी पंच केदार की यात्रा खत्म होती है। यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। जिन्हें संतान नहीं होती है वो यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके लिए जो पात्र दिया गया था वो महादेव ने यहीं पे पात्र दिया था जिसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे। अभी हम आपको अंदर जाकर दर्शन करवाएंगे पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव के। आइए आइए कल्पेश्वर महादेव। इस गुफा के अंदर विराजमान है कल्पेश्वर महादेव। अभी हम आपको कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु, महादेव शंभु। एक और शिव मंदिर जहां जाकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे और धर्म के साथ जुड़ेंगे। तो मंदिर का इतिहास जो आप पहले से जानते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले वो बताऊंगा इतिहास जो आप नहीं जानते। कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में से तो एक हैं ही, पर वो केदार के चार पीठ हैं उनमें से भी एक इनका नाम है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान इंद्र ने भी यहाँ पर आकर तपस्या की थी। खुद दुर्वासा ऋषि ने भी यहाँ पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी और इसीलिए इस तीर्थ स्थान का नाम पड़ा कल्पेश्वर महादेव। शिव पुराण में वर्णित है यह बात। केदार खंड में भी है, पांडव भी यहाँ आए थे। आप भी कम से कम कमेंट बॉक्स में जाकर कल्पेश्वर महादेव की जय तो लिख ही सकते हैं। मंदिर के पुजारी शंकराचार्य के शिष्य हैं जो दक्षिण भारत से यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। पास में ही हैं पंच बद्री में से एक ध्यान बद्री, उनके भी दर्शन करते जाइएगा। और पंच केदार में से एक केदार तुंगनाथ का रास्ता भी यहीं से जाता है। पंच केदार में सिर्फ कल्पेश्वर महादेव ही ऐसे हैं जिनमें ट्रैक नहीं करना पड़ता, पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता, बाइक और कार से भी आप जा सकते हैं। सिर्फ पंच केदार में कल्पेश्वर केदार के दर्शन पूरा साल किए जा सकते हैं क्योंकि ये सबसे कम ऊंचाई पर हैं, 2114 मीटर पर। कल्प गंगा के पास उर्गम घाटी में चमोली उत्तराखंड में मंदिर के पास में ही है क्लेवर कुंड, जिसके पानी से सभी बीमारियां दूर होती हैं। इस कुंड के पास साधु सन्यासी बैठकर तपस्या करते हैं और जल महादेव को चढ़ाते हैं। लेकिन आप घर पर बैठकर कल्पेश्वर महादेव की जय कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ पंच केदार की कहो कथा जो बच्चा बच्चा जानता है लेकिन बार बार सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पंच केदार की यात्रा करने वाले को कभी पशु यानी जानवर की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता क्योंकि एक बार खुद भगवान शिव भी पशु यानी बैल बनकर यहाँ देख चुके हैं। पशुपति नेपाल में भी इसीलिए नाम पड़ा पशुपतिनाथ महादेव। तो मुख्य कथा की तरफ बढ़ते हैं। कुल हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव शिव जी को दर्शन करना चाहते थे लेकिन महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। जैसे ही पांडव काशी पहुंचे तो महादेव आ गए केदारनाथ में, लेकिन पीछे पीछे पांडव भी यहां पर आ गए तो महादेव वहां पर पशुओं के बीच में बैल बनकर छुप गए। भीम जानता था कि भगवान कभी भी किसी के पाँव के नीचे से नहीं गुजरेंगे तो उसने अपने दो पाँवों के नीचे से सारे पशुओं को गुजारा, लेकिन महादेव वहां से निकलने लगे तो भीम ने बैल रूपी महादेव की पूंछ पकड़ ली। इससे महादेव के अंग 6 अलग अलग जगह पे गिरे। एक गिरा नेपाल में सर जो कहलाया पशुपतिनाथ, वहाँ पे सर के रूप में पूजा होती है। और 5 हिस्से हिंदुस्तान में गिरे जिन्हें कहा जाता है पंच केदार और इन्हीं पंच केदार की यात्रा होती है। तो पहला हिस्सा गिरा केदारनाथ में, पीठ का हिस्सा जिसे मुख्य केदार कहा जाता है। दूसरा हिस्सा गिरा मध महेश्वर में यानी नाभि का हिस्सा, शरीर का मध्य भाग जिसे मध महेश्वर कहा गया। रुद्रनाथ में गिरा तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा भुजाएँ गिरी तुंगनाथ में और पांचवा हिस्सा भगवान की जटाएं आकर यहां पर गिरी कल्पेश्वर में, इसीलिए इनका नाम पड़ा कल्पेश्वर महादेव। कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखें क्योंकि यहीं पर आकर पंच केदार की यात्रा पूरी होती है।